हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग एसर में i3 13 जनरेशन लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि लैपटॉप किस तरीके का डिजाइन का है और लैपटॉप के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी है वो मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से लैपटॉप है, और लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखा दूँ। एसर के अंदर इंस्पिरॉन 1315 लैपटॉप है जो i3 के अंदर आता है 13 जनरेशन के अंदर, 13वीं जनरेशन के अंदर। तो आपने 11 जनरेशन 12 जनरेशन लैपटॉप है वो सारे देख लिए होंगे। हम आपको 13 जनरेशन लैपटॉप है वो दिखाने वाला हूँ जो लेटेस्ट के अंदर चल रहा है। 13 जनरेशन i3 8GB रैम और 512GB SSD के अंदर है। तो हमें इसके अंदर क्या क्या पोर्ट्स मिलने वाला है और किस तरीके की बोरी है वो हम लोग सब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। का बॉक्स आता है, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लैपटॉप दिखाने से पहले आपके सामने कुछ ये मैन्युअली चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, जो एसर कंपनी से वो आती है। इसके अंदर ही कम्युनिटी गाइडलाइन आती है और कुछ ये आता है, और चार्जर है वो इस तरीके से आपको चार्जर मिलने वाला है। चार्जर भी कितने वोल्ट का है वो भी आपको बता दूँ। चार्जर इसमें आता है 65 वोल्ट का चार्जर आने वाला है, और ये पावर कोड है वो इसके साथ में आने वाली है। अब लैपटॉप की किस तरीके की डिजाइन है क्या है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो बॉक्स को मैं कर देता हूँ साइड में। अब बात करते हैं मैं लैपटॉप की फॉक्स पे कि लैपटॉप है वो किस तरीके से होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो लैपटॉप की जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। ज्यादा स्लिम नहीं है, थोड़ा सा लैपटॉप है वो करे तो थोड़ा सा हेवी नजर आता है। i3 के अंदर आता है, 13 जनरेशन के अंदर है, ठीक है। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड नहीं आता है जो आप लैपटॉप के मॉडल के अंदर देख पा रहे हो 13 जनरेशन के अंदर। इसमें एक बैकलाइट कीबोर्ड वाला भी आता है, वो मॉडल थोड़ा महंगा आता है। बाकी अगर बॉडी की बात करें तो मेटल बॉडी के अंदर है, बहुत ही शानदार और प्रीमियम लुक आपको लैपटॉप का वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ये मॉडल का लैपटॉप है, ठीक है। इसके अंदर हमें मिलने वाला क्या क्या है, एक तो 3.0 USB पोर्ट मिलने वाला है, एक ऑडियो जैक मिलने वाला है, और इस साइड की बात करें तो एक टाइप सी मिलने वाला है, इससे हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं, और एक चार्ज है खुद का। एक HDMI पोर्ट मिलने वाला है, और एक फिर से 3.0 USB मिलने वाला है। इतना पोर्ट मिलने वाला है 13 जनरेशन के अंदर। बाकी इसकी जो क्वालिटी है वो आपको मैं पूरी वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। एक तो अंदर आपको यहाँ देख पा रहे हो फास्ट डेटा ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, बैटरी मिलने वाली है, विथ माइक मिलने वाला है, 3.2 आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, HDMI पोर्ट मिल जाएगा जो 2.1 का आता है। ये मॉडल है काफी शानदार, प्रीमियम क्वालिटी है, 1080 के अंदर डिस्प्ले है IPS पैनल के अंदर। लैपटॉप की प्रीमियम क्वालिटी और ये सब देख लिया है। i3 के अंदर 13 जनरेशन लैपटॉप है, काफी प्रीमियम क्वालिटी है, और देखने में ऐसा लगा जैसे लाइक ए गेमिंग लैपटॉप। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिला होगा, या आप इस लैपटॉप को खरीदने से पहले आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर क्या क्या पोर्ट है वो मिलने वाला है। लैंड पोर्ट है वो बिल्कुल नहीं है इसके अंदर कहीं भी। मैं आपको फिर से एक बार लैपटॉप दिखा देता हूँ, देखिए लैंड पोर्ट है वो बिल्कुल भी लैपटॉप में कहीं भी पर भी नहीं है। तो अगर आप लैंड पोर्ट लेने के इच्छुक हो तो इसमें आप लैंड पोर्ट USB टू लैंड पोर्ट वो कनेक्ट है वो कर सकते हो, पर नए जितने भी लैपटॉप आते हैं 12 13 जनरेशन के लैपटॉप उनके अंदर वो लैंड पोर्ट है वो नहीं होता। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिला होगा। तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।